सारी जिंदाबाद 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 सारी जिंदाबाद 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 राजस्थान जिंदाबाद। आप जो अभी जा रहे हैं तो क्या कल से झारखंड का विधानसभा सत्र शुरू होने वाला, उसमें शामिल होने जा रहे हैं? बिल्कुल, कल विधानसभा सत्र है और राज्य के हितों में, यहाँ के स्थानीय लोगों के हित में जो बिल सरकार ला रही है, स्पेशल सदन है, तो निश्चित तौर पर हम लोग उसके लिए जा रहे हैं। जो चर्चाएं होंगी हम लोग बात करेंगे, डिबेट रखेंगे और राज्य हित में जो कुछ अच्छा होगा वो हम लोग फैसला लेंगे, हमारी सरकार फैसला लेंगे। अभी आपको कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया है, तो क्या अभी आप अपने आप को कांग्रेस के विधायक मानते हैं? बिल्कुल, हम लोग कांग्रेसी हैं। जब हमें कोर्ट ने विधायक बरी कर दिया तो हमारा आलाकमान भी हमें विधायक बरी करेगा। आलाकमान को गुमराह किया गया था, सच सामने आ गया, आप देख लीजिएगा। हम लोग आ गए हैं, अब हम लोग मिलेंगे। आलाकमान ने एक लोगों की बात सुनी है, अब हमारी बात सुनेगी तो फिर सच का सच। और सिंह के बारे में क्या कहेंगे सर? अब सच्चाई सामने है आप लोग के बारे में, अब उनके बारे में मैं क्या बोलूँगा ज़्यादा। अब जिस प्रकार से वो राजनीति करते हैं, एक सब समाज इसकी इजाज़त नहीं देता। हम लोग भी राजनीति करते हैं, हमारे पिताजी भी 30 साल विधायक रहे, 8 बार विधायक जीते, वो एमपी रहे, मंत्री रहे, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। उनका परिवार में भी राजेंद्र बाबू 5 बार या 4 बार विधायक रहे, तो कम से कम अपने पिताजी का गुण तो एडॉप्ट करना चाहिए। अब बेवजह एकदम 0 FIR, 1 बार नहीं 2 बार लगातार किए जा रहे हैं। विधायक का काम विधायक पर FIR करना होता है क्या? हम लोग ये बात आलाकमान को बताएंगे कि अच्छी बात नहीं, अच्छी परंपरा नहीं। कांग्रेस का विधायक कांग्रेस के विधायक पर केस करे, क्या हुआ आखिर? विधायक निकल गए हम लोग, कहीं हम हाईकोर्ट ने वर्डिक्ट में दे दिया कि हम लोग कहीं सरकार नहीं गिरा रहे थे, आप कैसे आरोप लगा दिए? ये बातें हैं, हम लोग आलाकमान को बताएंगे। आलाकमान पर हमें विश्वास है और मैं अनूप सिंह को कहूँगा कि कम से कम राजनीतिक में बच्चे हो, थोड़ा ऊपर उठो यार, राजनीतिक में लंबा भविष्य है। अब यहाँ बंदूक गोली आप बाहर से आके राजनीति कर रहे हो यार, हम लोग स्थानीय हैं, हम लोग हमारे लोग थोड़ा कमज़ोर होते हैं, बहकावे में चले जाते हैं, ये नहीं चलने वाला है। आप आए हो, आप भी नेता के पुत्र हो, आपको भी कम से कम, मैं कभी भी अनूप सिंह का बुरा नहीं कर सकता हूँ, ये हमारे खून में नहीं है, लेकिन आप एकदम ऐसा राजनीतिक कर रहे हो, लगता है कि राजनीतिक में कमाने के लिए राजनीतिक नहीं होता है भाई, इनका मकसद है कमाने के लिए आए हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। जनता देख रही है और हम लोग जाएंगे, हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हम लोग कल CLP से ही मिलेंगे, हमारे जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी मिलेंगे और अपनी बात हम लोग रखेंगे। सर, कल विधानसभा में 1932 हथियार लागू हो रहा है, तो झारखंड की जनता से क्या कहेंगे सर, किस तरह से आप? वो पहले चर्चा होने दीजिए, हम लोग बात कर रखेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे, विस्तृत बात बताएंगे।